गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? जल्दी से कमेंट कीजिए, किसी को वॉइस में या पिक्चर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? धोली मीना, शशि, हुडला बॉय, सीमा, समीर, महेश, गुड इवनिंग सभी को। जल्दी से कमेंट करेंगे, फास्ट। क्या किसी को वीडियो में कोई प्रॉब्लम? हेमंत बीना, गुड इवनिंग हेमंत, जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑडियो क्लियर है? धोली मीना नहीं, चलो। गुड इवनिंग ओम प्रकाश, योगेश, फारूक, मीना, कमल, साउंड वीडियो ओके, ठीक है मीना, चलो। आई होप इतना योगेंद्र के, योगेश, राजेंद्र, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नो प्रॉब्लम ओके। अखिलेश, हनुमान, मीना कह रहे हैं सर आप लेट बहुत आते हो। हनुमान सर आज के लिए माफ़ी चाहेंगे, आप तो याद ही नहीं करते। हितेश वोरा कह रहे हैं यस ओके। चलिए राम राम। हरकेश, समय, हुडला बॉय, देखिए क्लास, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं काफ़ी अच्छा टॉपिक है, उसका नाम है मिसिंग नंबर ओके। आपके वन डे एग्जाम के अंदर जहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर एक से दो क्वेश्चन आपके डेफिनेटली मिलते हैं, और मैं आज आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये एक से दो नंबर आपके कभी भी गलत अब से नहीं होंगे। मेरे साथ समझेंगे, मैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट सुनील वोहरा स्वागत करता हूँ आपका आज के कंप्यूटर सॉरी रीजनिंग स्पेशल की क्लास में, जहाँ पे टॉपिक का नाम है मिसिंग नंबर। तो इस्तकबाल किया जाता है आप सभी का मेरी रीजनिंग स्पेशल की क्लास के अंदर। टॉपिक है हमारा मिसिंग नंबर। जल्दी से कमेंट कर देंगे क्लास, करें स्टार्ट। वाई आर लेट सर? ओम प्रकाश माफी चाहेंगे, आज के लिए थोड़ा सा लेट हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, मिसिंग नंबर ओके। चलिए एक बार थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ढूंढना है आपको सब कुछ। अंजुम खान, गुड इवनिंग। ओके सर जी, ठीक है करते हैं। नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप याद रखेंगे थ्री टाइप्स की ओके, तीन टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ओके। कौन कौन से होते हैं मिसिंग नंबर के थ्री टाइप्स? तो देखिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग। चलिए देखो, सबसे फर्स्ट की बात करते हैं। तो जब आपको मिसिंग नंबर की सीरीज कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें जो सॉल्यूशन आपको प्राप्त करना होता है, या तो वो आपको मिलेगा किसकी तरफ से सर? रॉ की तरफ से, ठीक है बिल्कुल। चलो, रॉ की तरफ से या कॉलम ओके, या फिर मैट्रिक्स ओके। चलो देखिए, जैसे मैं कोई भी नंबर लिख देता हूं आपको यहां पर कि 8, 5, 11, ठीक है रुको, 8, 5, 3, 9, 2, 7 ओके, फिर मैंने कह दिया आपसे 11, 5, तो नेक्स्ट नंबर आपका क्या होगा? ठीक है, तो यहां पर देखो, अगर हम देखते हैं सबसे, तो रो का मतलब क्या होता है आपका क्लास? तो रो का मतलब होता है कि फर्स्ट रो आपकी ये वाली हो गई, सेकंड रो ये वाली, और थर्ड ये वाली, ठीक है। आपका फर्स्ट कॉलम, आपका सेकंड कॉलम और आपका थर्ड कॉलम ओके, इनकी सहायता से आपको आंसर देना होता है ओके। बात करते हैं मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स आपने देखी होगी किस प्रकार की होती है। इस प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी के एग्जाम को जब देखते हैं तो लास्ट में एक मैट्रिक्स से इस प्रकार से क्वेश्चन आता है आपका ओके। तो मैट्रिक की तरह ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप वन बाय वन देखते जाएंगे। यहां देखो, जैसे मैंने कहा कि 8, 5 से 3 कैसे बना होगा सर? 8 में से 5 गया, 3 आ गया, हाँ या ना? 9 में से 2 गया सर? 7 आ गया, बिल्कुल। आप रॉ देख रहे हैं, हाँ या ना? पंक्ति देख रहे हैं आप? कॉलम को क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। चलो, तो 8 में से 5
गया 3, 9 में से 2 गया 7, तो 11 में से 5 गया, तो क्या आएगा क्लास यहाँ पर 6 आएगा, यस और नो? बिल्कुल सर, आवाज़ साफ नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है, स्पीकर सही करो। हेलो, ओके ओके, जस्ट वेट, मैं एक बार क्रॉस चेक करता हूँ, ठीक है। ओके, अब कमेंट करेंगे क्या, अब भी वॉइस कट कट के आ रही है? जल्दी से कमेंट कीजिए क्लास, फास्ट, क्या अब भी वॉइस कट कट के आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही सर, एक मिनट में क्रॉस चेक करता हूँ। ओके, जल्दी से कमेंट कीजिए कि अभी वॉइस कट के आ रही है। ओके, अब क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है, डन। तो चलिए तो स्टार्ट करते क्लास, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, 25, 30, 7, 70, 20 और 3 क्वेश्चन मार्क 8, तो बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। ये नंबर मिसिंग है, तो जल्दी से क्लास कमेंट करेंगे अपने आंसर को कि यहां पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी से फास्ट। काफी क्वेश्चन है, समय मामा आ तो रही है। चलो अब ठीक है, आई थिंक बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए क्लास। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो आंसर्स हमारे सामने आने लग गए हैं, फर्स्ट आंसर दिया दीपक ने, चलो दीपक देखते हैं क्या आपका आंसर करेक्ट है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपने कहा था या तो रॉ या कॉलम या करते हैं, चलो देखते हैं कि सर 15 है यहां पर, 225 और 30 किस प्रकार से बना होगा, कुछ आइडिया लग रहा है सर आपको यहां पर? देखो अगर हम कॉलम को देखते हैं, अच्छा 15 को 30 में जोड़ने पर इसके आसपास तो जाएंगे नहीं, तो सर हां करें तो कितना बनता है क्लास, तो ये बनता है देखो ठीक है, ये कितना बनता क्लास 0 और ये बन गया 45, 450, हाँ या ना? हाफ नहीं होता, बिल्कुल सर ये इसका हाफ होता है, तो इसीलिए 225। तो सर एक लॉजिक समझ आया, अगर ये लॉजिक आपका सेकंड में भी लग गया तो मतलब यही लॉजिक लगा रखा होगा। तो देखो 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 140 का आधा कितना हुआ 70, बिल्कुल सर, तो इसीलिए 8 दिया 24 और 24 का आधा कितना हो गया 12, 12, इसीलिए ए इज द राइट आंसर। क्लियर है क्लास? बिल्कुल, तो आपने क्या किया, आपने कॉलम को देखा है, ठीक है, इस प्रकार से कॉलम से आपने आंसर दिए हैं, डन यहां तक क्लास? ओके चलो सर, आवाज अब सही नहीं है, चलिए अब कमेंट कीजिएगा, अब आई थिंक वॉइस अब क्लियर होगी, ठीक है डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओके क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओके क्लास मीना अब आई थिंक वॉइस क्लियर होगी, सर वॉइस बफरिंग हो रही है, ठीक है दीपक अब कमेंट करो, वॉइस क्लियर है यहां पे आपकी, जल्दी से कमेंट कीजिए फास्ट। चलिए आवाज सही नहीं आ रही, चलो एक काम करता हूं मैं, जरा माइक चेंज करता हूं, जस्ट वेट। ओके ओके
गुड इवनिंग अ वेरी गुड इवनिंग टू लखन विजय दीपक सोनू भागचंद राजेश जफर मुंडा फारूक अखिलेश होडला बॉय। अब कमेंट कीजिए क्या अभी भी वॉइस में प्रॉब्लम है। आई थिंक अब आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही होगी राइट। जल्दी से कमेंट कर दीजिए फास्ट। बिल्कुल देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये होता है आपका मैट्रिक्स की फॉर्म में ठीक है। जब इस प्रकार से आपको 4x3 यानी के 4 रॉ आपकी 1, 2, 3, 4 और 3 कॉलम जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया जाए तो एक बात हमेशा याद रखेंगे क्लास कि 90% इसमें एक केस लगता है वो कौन सा होता है कि शुरू के तीनों से कोई ना कोई कॉम्बिनेशन लगा के ये लास्ट वाला बन रहा होता है। डेफिनेटली 99% ये होता है इस केस के अंदर हमेशा। ये बात आप याद रखेंगे ओके क्लियर है यहां तक। बिल्कुल तो देखो सर क्या आपको 35 बनाना कैसे बनाएंगे इन तीनों नंबर से। सर देखो यहां पर अगर 4 को 8, 8 चौक 32 और 3 35 बिल्कुल सर 35 बन रहा है ओके। 7 6 42 7 49 बिल्कुल सर बन रहा है। तो 8 निम 72 और 9 कितना हुआ क्लास आपका 81 बिल्कुल सी इज द राइट आंसर ओके क्लियर है। बिल्कुल जब झकास है बिल्कुल चलो क्लियर है डन ओके चलो क्लास आई थिंक क्लियर होगा बिल्कुल आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा आपका ठीक है। शुरू के 3 से लास्ट का आपका कोई ना कोई नंबर बन रहा होगा ओके। चलिए सर अब आवाज सही आ रही है ठीक है लखन वो आई थिंक माइक के अंदर प्रॉब्लम थी वो मैंने चेंज कर लिया है ओके। चलिए दीजिए आंसर काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब आप सोच के देखिए कि सर यहां पर 83 यहां पर 83 बनना चाहिए है ना। अच्छा अगर इनको जोड़ते हैं तो क्लास जोड़ने पर तो 83 के आसपास तो हम जाएंगे नहीं बिल्कुल नहीं जाएंगे सर। सर शायद मल्टीप्लाई करने पर हम जा सकते हैं। अच्छा 7 5 35 हाँ है ना होता है बिल्कुल लेकिन 35 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये तो इससे ज्यादा निकल जाएगा बिल्कुल सर। चलो एक काम करते हैं इनका स्क्वायर करके देखते हैं। बिल्कुल अगर 7 का स्क्वायर किया तो कितना हुआ क्लास 49 ठीक है प्लस 5 का स्क्वायर किया तो 25 प्लस 3 का स्क्वायर किया तो 9 और क्लास ये बन गया आपका कितना कितना बन गया 83 बिल्कुल सर यही लॉजिक लग रहा है। तो इनका स्क्वायर किया 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया 36 और 16 कितना हुआ क्लास आपका 52 सॉरी 36 और 16 कितना हो गया आपका 52 ठीक है। एक मिनट आई थिंक कई क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं है ठीक तो है। चलो 36 हो गया ये और 4 चौक 16 हो गया ठीक है 2 2 4 ठीक है 6 6 12 और 4 कितना हो गया 16 56 बन रहा है बिल्कुल ठीक है कोई इशू नहीं है। सर देखो स्क्वायर लगाएंगे 8 8 64 9 9 81 हाँ या ना बिल्कुल और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा आपका। सर 4 1 5 और 1 6 हो गया क्लियर है यहाँ तक बिल्कुल सर और ये हो गया आपका 46 यानी कि 146 इज द राइट आंसर बिल्कुल क्लास ओके गुड। नरेश अखिलेश सोनू डफा दीपक अंजुम हरकेश महेश शशि सभी का राइट आंसर है क्लास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से कमेंट करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर ओके। चलिए जल्दी फास्ट गुड इवनिंग तोताराम मीना। चलिए तो सर देखो यहां पर अगर हम लॉजिक लगाते हैं रॉ वाला तो लग रहा है क्या। सर रॉ वाला लॉजिक तो नहीं लग रहा लेकिन कॉलम वाला लग रहा है सर बिल्कुल। कैसे लग रहा है देखो कि सर 4 और 8 के इस्तेमाल से हमें 20 बनाना है राइट बिल्कुल। कैसे बनेगा सर कैसे बनेगा ये देखो अगर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें 32 सर नहीं ज्यादा हो जाएगा। चलो ओके अगर 8 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 8 2 16 4 20 बन रहा है तो ये लॉजिक यहां लगना चाहिए 3 2 6 प्लस 9 अरे सर लग गया बिल्कुल 15 हो गया तो 6 2 12 और 6 18 तो राइट आंसर क्या होगा क्लास आपका बी इज द राइट आंसर ओके 18। सोनू बाबला 24 नहीं होगा 18 इज द राइट आंसर क्लियर है यहां तक। चलो डन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर।
चलो दीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 काफी अच्छा क्वेश्चन है। राजेश कुमार मीना, ठीक है, हेमंत, अखिलेश, ओके गुड, सभी का राइट आंसर है, गुड क्लास, चलिए गुड फैबुलस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। चलिए दीजिए और क्लास क्वेश्चन का नंबर जरूर डाला कीजिए, ओके चलो ठीक है। भागचंद वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मैं देख रहा हूं, ठीक है, लाइक काफी कम कर रहे हैं आप, कंजूसी कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो एक बात याद रखिए क्लास, कि कई बार क्या होता है आपको व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पे अटपटे क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, जिनका कोई सेंस नहीं होता, तो एक बात याद रखेंगे, जो व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन आते हैं उनको आपको कभी भी कंसीडर नहीं करना है। एग्जाम में जब भी मिसिंग नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो याद रखेंगे उसका एक लॉजिक होता है प्रॉपर, जो एग्जाम के अंदर आसानी से सॉल्व हो सके, आसानी से पकड़ा जा सके, तो इसीलिए वो लॉजिक प्रीवियस ईयर के पेपर्स में दिए गए होते हैं। तो हमेशा कभी भी जब आपको प्रैक्टिस करनी हो मिसिंग नंबर के चैप्टर की, तो हमेशा प्रीवियस ईयर के पेपर से किया कीजिए, ओके चलिए। तो अभी के लिए राइट आंसर बताएंगे क्या होगा क्लास। सर देखो, अच्छा यहां पर अगर हम 18 में 7 ऐड करते हैं, ठीक है, फिर 35 कुछ करते हैं, सर नहीं बिल्कुल नहीं बन रहा सर, ये तो होगा नहीं। अच्छा कैसे बनाए हम 24, अच्छा अगर 35 में से मैंने 18 माइनस कर दिया, बिल्कुल सर, कितना बचा, जैसे ही मैंने 35 में से 18 माइनस करा सर 17 बच गया, हाया ना, बिल्कुल। और 17 में देखो जैसे मैंने 7 प्लस किया तो सर कितना बन गया मेरा, 24 बन गया, हाया ना, बिल्कुल सर। तो ये लॉजिक लग रहा है हमारा, चलो आगे चेक करते हैं, अगर ये लॉजिक लगा तो मतलब हमने बिल्कुल सही पकड़े हैं। चलो तो सर 25 में से 16 गया, कितना बच गया क्लास, सर यहाँ बच गया हमारा 9, और 9 में कितना ऐड किया हमने सर 23, बिल्कुल सर 32 बन गया सर, बिल्कुल सही लॉजिक है। तो इसी प्रकार से देखो कि आप किस में से 7 को माइनस करेंगे कि उसमें 58 ऐड करते के साथ ही 65 पहुंच जाएं, काफी इजी है, बताओ ठीक है, कि क्या नंबर ले कि वहां पर 7 माइनस कर दें, ठीक है, और उसमें फिर 58 ऐड कर दें। तो देखो 58 के बाद में कितना ऐड करना होगा आपको सर, 7 और ऐड करना होगा, तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे आप 14 लेते हैं तो 14 में से 7 गया, 7 बचा और 7 में ऐड किया 58, तो 65, इसलिए राइट आंसर क्या हुआ आपका क्लास, 14 हुआ, क्लियर है, डन, बिल्कुल। चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्लास, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चलो 6 5 sorry 5 7 9 9 6 4, तो 36 क्वेश्चन मार्क, बताओ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, चलो जल्दी से कमेंट करेंगे फास्ट। सिर्फ यहां पर देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था, जिन स्टूडेंट्स के स्क्वायर यानी के वर्ग, ठीक है, क्यूब यानी के घन और टेबल यानी के पहाड़े स्ट्रांग होंगे, वो ऐसे क्वेश्चन में बाजी आसानी से मार जाएगा, ठीक है। चलो दीजिए आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6, और मैंने पहले भी कहा कि क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखा कीजिए क्लास, ओके ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो ओके, चलो मोस्टली स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं हमारे कि सर 32 होगा, चलो क्लास देखते हैं। अच्छा 9 को देखो, अगर यहां पे देखो क्लास, 36 बनाना है, 5 9 से 36 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे सर, देखो अगर हम यहां पर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं सर 45 बनेगा, सर 45 तो ज्यादा है ना, अच्छा यहाँ पे देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते 7 6 42 सर ज्यादा है,
तो थोड़ा ज्यादा निकल रहा है, हाँ या ना? अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह 4 से मल्टीप्लाई करूं, यस और नो? इसका मतलब 5 में अगर 1 माइनस करके, हाँ या ना क्लास, और फिर 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 चौक 36 बना, नहीं बना? बिल्कुल बन रहा है सर। यहां पर देखो, अगर मैंने 7 में से, सॉरी ठीक है, एक मिनट, 6 माइनस किया, और सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक है, तो 7 में से मैंने क्या किया, 1 माइनस किया, 6 बन गया, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई, सर 36 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है सर। तो सर यही लॉजिक हमारा यहाँ लगना चाहिए, 9 में से मैंने 1 कम किया और उसको 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो 8 चौक 32, राइट आंसर क्या होगा क्लास आपका, 32। क्लियर है? चलो गुड गुड ग्रेट ग्रेट, चलिए क्लास, ओके बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में तो देखते ही आपको आंसर नजर आना चाहिए, सर इसमें 20 भी हो सकता है। चलिए ओके, ओम प्रकाश कह रहे सर 8 होगा, बिल्कुल क्लास, बिल्कुल सही पकड़े हैं आपने। सर देखो 2 और 2, 2 दूनी 4, बिल्कुल 3 और 3, 3 3 9, 4 चौक 16, तो 8 8 2 कितना हुआ, 64, इसीलिए 8 इज द राइट आंसर। क्लियर है? डन, बिल्कुल। चलो ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, लीजिए सर कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके मेरे पास आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं, सब कह रहे हैं कि बी आएगा। चलो क्लास देखते हैं बी आएगा नहीं आएगा। देखो क्लास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए और ऊपर आपको 3 डिजिट नंबर दिया जाए, 4 डिजिट नंबर दिया जाए, तो एक बात याद रखेंगे आप कि यहाँ पे मैक्सिमम क्या होता है, एडिशन वाला केस लगता है। क्या लगता है क्लास? एडिशन वाला केस लगता है। तो देखो यहां ध्यान से देखेंगे अब आप, चलो सर 5 और 6 कितना हो गया, 11, हाँ या ना? बिल्कुल। 11 और 9 कितना हुआ, 20, बिल्कुल। और यहां पे 4 आना चाहिए, तो यानी कि अगर मैं यहां पे 4 लिख दूं तो 20 और 4 24 होगा, बिल्कुल सर। 24 का यहाँ पे कितना आ गया आपका, 4, बच कितना गया, 2, कितना बचे क्लास, 2 बच गया। तो 2 और 3 5 और 4 9 10 और 10 और 7 17, बिल्कुल सर 17 बन गया, बचा कितना, 1। तो चलो 1 और 1 2 और 2 4 4 और 3 7 और 1 8, बिल्कुल सर। तो इसीलिए राइट आंसर क्या हुआ, 4, तो 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ओके गुड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, चलिए दीजिए आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। डफर मुंडा कह रहे हैं डाटा ऐप पर्याप्त है मेरा, तो चलो कोई बात नहीं, है ना, पर डाटा पर्याप्त था वो। अखिलेश मेहर कह रहे सर 4, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्लास। और इस क्वेश्चन के अंदर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको देखते के साथ ही आंसर नजर आ रहा होगा। मैंने पहले भी कहा है आपसे क्लास कि जिसका जिसका कैलकुलेशन जितना स्ट्रांग होगा वो मिसिंग नंबर या नंबर सीरीज के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेगा। बिल्कुल, देखो सबसे पहले जो आंसर आया है वो आया है किसका, इट्स मुकेश मीना, सेकेंड पे ओम प्रकाश, और थर्ड पर डफर मुंडा, फिर आ रहे हैं भागचंद, और उनके बाद दीपक। चलिए गुड क्लास, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर यहाँ पे हमें क्लियर नजर आ रहा है कि यहाँ पर देखो
125 किसका क्यूब होता सर? सर 5 का। सर 343 किसका क्यूब होता सर? 7 का। तो 11 का क्यूब कितना होता है सर? 11 का क्यूब होता है 1331। गुड, चलिए, ग्रेट अंजुम खान, गुड। चलो आई थिंक इतना क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चलिए दीजिए आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। ओके, ओम प्रकाश कह रहे हैं सर 84 होगा, ठीक है। ओम प्रकाश, दीपक कह रहे हैं 84 होगा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए गुड, गुड क्लास, गुड। खुशी मीना कह रही है 84। ओके, मोस्टली सभी स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है सर 84। कैसे होगा सर? देखो, हमें कैसे भी 60 बनाना है, ठीक है। कैसे बनाना होगा 60 हमें? सर देखो, 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं 9, 16, 25, क्या बन रहा है सर? नहीं बन रहा, बिल्कुल। चलो एक काम करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, 12 5 60, 60 एकम 60, बिल्कुल सर 60 बन रहा है। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं इसी बात पर। तो देखो 7 एकम 7 है ना, 7 2 14, और जब 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 84 आएगा, हाँ या ना? 14 6 84, 84 इज द राइट आंसर। गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। दीजिए आंसर। पकड़िए इस क्वेश्चन को, बहुत आसानी से आप आंसर दे सकते हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। देखो कहीं ना कहीं ये नंबर जो लिखे हुए हैं वो स्क्वायर के आसपास हैं। देखो ध्यान से देखो आप इस क्वेश्चन को। ओके, तो आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए राजेश कुमार मीना, टीवी मोटिवेशनल, ठीक है। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। फारूक खान का आंसर आ चुका है। चलो फारूक देखते हैं। देखिए क्लास, अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखते तो क्या ये नंबर 2 के स्क्वायर के पास में नहीं है? 4, क्या ये 9 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर नहीं है? बिल्कुल। क्या देखो, आप खुद ध्यान से देखो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या ये 11 के आसपास का नहीं है? बिल्कुल। 7 का नहीं है। सब में क्या करना पड़ रहा है सर? सब में स्क्वायर करके प्लस 1 करना पड़ रहा है, हाँ या ना? बिल्कुल सर, प्लस 1 करना पड़ रहा है, यही तो लॉजिक है, यस और नो? बिल्कुल। तो देखो ऐसा कौन सा नंबर इसमें स्क्वायर करके प्लस 1 आ रहा होगा? सर एक ही नंबर है 26, क्यों? तो जब 5 का आप स्क्वायर करेंगे प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 26 ही आएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हुआ क्लास आपका? 26। ओके गुड, चलो शशि, कमल, हेमंत, अंशीप, गुड क्लास। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा। दीजिए आंसर। चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते चले जाएंगे जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी। ओके चलो, ओम प्रकाश, प्राइम नंबर का स्क्वायर भी है, लेकिन आप ये भी देखो कि वहां पर और कोई नंबर ऐसा नहीं था कि जिसका स्क्वायर करके 1 ऐड करने पे ऑप्शन में से मिल रहा हो, ठीक है। चलो सोनू कह रहे हैं कि सर ए होगा, सोनू इज बैक, वाओ। चलिए सोनू, बिल्कुल डेफर प्राइम नंबर वाला था, लेकिन वहां पे आप ऑप्शन में देखते हैं आप तो ऑप्शन के अंदर कोई ऐसा और दूसरा ऑप्शन नहीं था जहां पर आप स्क्वायर करके 1 ऐड करने पर आपको ऑप्शन मिल रहा हो, ठीक है। चलो दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। चलो और दीपक कह रहे हैं सर 84 आएगा। चलो दीपक देखते हैं 84 आएगा नहीं आएगा।
होगा, कंफर्म है सर। चलो गुड दीपक, बिल्कुल 84 ही होगा। बिल्कुल दीपक सही कहा आपने, फर्स्ट आंसर दीपक का आया है। दीपक कह रहे सर 84 कंफर्म है, बिल्कुल लॉक कर दिया जाए इस क्वेश्चन को। तो दीपक आप जीत चुके हैं 2 लाख रुपए, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब आपका बिना लाइफ लाइन यूज किए हुए। सर देखिए काफी इजी है, 12 को 11 से मल्टीप्लाई किया, हाँ या ना? तो सर कितना बनेगा बताएंगे आप, कितना बनेगा सर? 132 बन रहा है, हाँ या ना? ओके, हमको 78 पे जाना है तो डेफिनेटली माइनस करना पड़ेगा। और देखो मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ क्लास? यहाँ पे हो गया आपका 54, हाँ या ना सर? बिल्कुल 54 हो गया आपका, माइनस करके देखो कितना आ रहा है आपका यहाँ पर सर, 8 और ये 7 सर, 78। बिल्कुल सर लॉजिक लग गया। तो इसी हिसाब से 14 को इससे मल्टीप्लाई कर सर 140, माइनस करेंगे कितना? 56। बिल्कुल सर, तो राइट आंसर क्या होगा आपका सर? 84 इज द राइट आंसर। क्यों? ये सर माइनस करके देखो, 10 में से 6 गया 4 और 13 में से 5 गया 8, डन, 84 इज द राइट आंसर। क्लियर है? बिल्कुल दीपक सही दिया आपने आंसर, बिल्कुल। चलो बाकी सभी का भी राइट आंसर था, लॉक कर दिया भागचंद मीना ने क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चलिए ओके, लॉक कर दिया गया, ठीक है। ओके सुमेर, चलिए गुड 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 क्लास। सुमेर सिंह मीना कह रहे सर 84। चलो हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। बिल्कुल लखन सही आंसर दिया आपने, 84 ही था उस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओके चलो सर, कहीं ना कहीं अगर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो सर इस क्वेश्चन को देखते के साथ ही हमें एक चीज नजर आ रही है कि ये जो नंबर है किसी ना किसी के स्क्वायर है, हाँ या ना सर? ये 8 का है, ये 6 का है और सर ये 7 का है, हाँ या ना सर? 21 कैसे बनेगा अगर 8 को 6 में ऐड किया सर? 14 और 7 21, बिल्कुल सर। कि 8 प्लस 6 प्लस 7 हमारा कितना बन गया सर? 21 बन चुका है। तो ठीक इसी प्रकार से सर ये कितना है? 11 प्लस ये कितना है आपका सर? 9 प्लस ये कितना हो गया आपका क्लास? 10। तो कितना बन जाएगा आपका टोटल? ये 30। इसलिए राइट आंसर क्या हुआ आपका? सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल गुड, हरकेश भागचंद लखन, हरकेश संजू धर्म, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है क्लास। ओके बिल्कुल, चलिए गुड गुड क्लास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 3 लाख रुपए के लिए। चलो अब 3 लाख का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में ऑप्शन भी तो इस प्रकार से मिलेंगे, ठीक है। चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन है क्लास, जल्दी से आंसर देंगे आप। मैं देखता हूँ, ठीक है टाइम होने वाला है हमारा। दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, मीन्स नाइसली डन। चलिए ओके डन 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 डन, जल्दी से आंसर आना चाहिए क्लास इस क्वेश्चन का। मुश्किल नहीं है, बस आपके देखने का नजरिया अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो बस लास्ट क्वेश्चन। ओके तो आंसर्स आने लग गए हैं, भागचंद अभी सोच रहे हैं इस तरीके से एक फेस दिखाकर। दीजिए आंसर,
सर इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे आप कि सर आप इन सबको ऐड करके यहाँ तक तो पहुँच नहीं सकते हैं। बिल्कुल सर, क्या पहुँच सकते हैं? नहीं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो अगर इनका स्क्वायर भी लेते हैं हम, तो आप पहुँच पा रहे हो सर 3616? नहीं सर, तब भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। सर क्या करें? अच्छा एक काम करते हैं, इनको ऐड कर देखते हैं पहले हम, ठीक है? चलो 6 और 4 कितना हुआ? 10। हाँ या ना, 6 4 10 3 13 14 और ये कितना हुआ? 19। चलो 19 से सर 133 कैसे बन सकता है? टेबल याद है किसी को? चलिए सर टेबल ही तो याद नहीं है, है ना सर? 19 सत्य कितना होता है? 133। बिल्कुल सर, हाँ या ना? तो सर बन सकता है। एक काम करते हैं, इस लॉजिक को यहां भी देखते हैं क्या अप्लाई हो रहा है। 8 2 10 5 15, ठीक है? 15 और 10 कितने हो? 25 होते हैं। 28। बिल्कुल सर 28, हाँ या ना? चलो 28 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 196 सर 7 से देखो। बिल्कुल सर 8 2 7 2 56, 5 और 7 2 14 5 19। बिल्कुल सर लॉजिक लग गया, तो इसीलिए इनको ऐड करेंगे 2 और 1 3 5 8, है ना? 8 और 4 12 3 15 और 17 कितना, सॉरी 7 कितना हुआ? 21। बिल्कुल सर 21 को मल्टीप्लाई किया 7 से, तो कितना बन गया आपका ये 147। द राइट आंसर, सॉरी जस्ट वेट एक मिनट, 2 और 1 3 5 8, ठीक है? अच्छा 8 4 12 3 15 22 हो गया ना क्लास? बिल्कुल, चलो 22 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 7 2 14, क्लियर है? बिल्कुल, 1। उसके बाद में कितना बचा? 1 7 2 14 1 15, 154। द राइट आंसर विल बी 154। ए इज द राइट आंसर। ओके बिल्कुल 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 अखिलेश, सही कहा आपने, 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, दीजिए इसका आंसर। ये क्वेश्चन आपका 3 स्टार क्वेश्चन है। ओके चलो 3 स्टार क्वेश्चन है। ओके दीजिए आंसर इस क्वेश्चन का। डफर मुंडा कह रहे हैं बिल्कुल सर टोटल 22 होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और 7 से मल्टीप्लाई करें 154 आंसर था उसका। ओके चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप फास्ट। आंसर आया किसी का? चलो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्लास, मन की आंखों से, ठीक है? चलो मन की आंखों से देखो, आंसर मिल जाएगा आपको। नहीं आया? चलो मीना जी, चलो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूँ। देखिए क्लास, जब इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं, ध्यान से देखो क्लास, यहाँ पर क्या किया गया है, बहुत ध्यान से देखो सर। 4 और 8 कितना हो गया? 12, और 12 का आधा 6। फिर आगे चलते हैं, 3 और 7 कितना हुआ? 10। 10 का आधा 5। बिल्कुल सर। सर आगे चलते हैं, 6 और 2 8, 8 का हाफ 4। बिल्कुल सर। 9 और 5 कितना हुआ? 14 का हाफ 7। बिल्कुल सर, ये लॉजिक लग रहा है, देखें यहाँ पर फिर से। चलो 1 और 5 कितना हुआ? 6 आधा 3। सर 2 और 6 8 आधा 4। सर 7 और 7 14 का हाफ 7। और 4 और 8 का हाफ कितना हो गया क्लास? 6 हो गया। डन सर, इसी प्रकार से देखो कि 7 और 3 कितना होता है? 10। तो कितना आएगा इसका आधा? 5। सर 5 और 1 6 कितना हुआ क्लास? 3। सर 4 और 8 कितना हुआ? 12 का हाफ 6। सर 2
और 6, 8, 8 का हाफ 4. द राइट आंसर विल बी 5364. बिल्कुल 5364 डी इज द राइट आंसर. ओके डी इज द राइट आंसर 5364. बिल्कुल ओम प्रकाश रोहतास बिल्कुल सही कहा आपने. ठीक है डन. इतना क्लियर है सभी को. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्लास. इसके बाद क्लास को हम अपनी फिनिश करते हैं. चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जल्दी से आंसर दीजिए. ओके हो गो अब तो. चलो भागचंद बिल्कुल हो गो. चलिए क्वेश्चन हो गया आपका. इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से. देखते ही आंसर आना चाहिए. देखते के साथ ही आंसर आना चाहिए क्लास. ओके ठीक है क्लेश बना समीर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए क्लास. ओके चलिए ग्रेट. ओके डन. राजेश कुमार मीना चलो बिल्कुल 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 राइट आंसर क्या होगा क्लास हमारा सी इज द राइट आंसर. क्यों सर देखते देखो दो दुनी चार तिया बारह सर बारह आ गया सर दो तिया छः छः पंजे तीस तो सर यहाँ देखो चार छिक चौबीस चौबीस को माइनस एक से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया क्लास आपका माइनस 24. इसीलिए सी इज द राइट आंसर. ठीक है तो माइनस का 24 होगा यहाँ पर क्लास. ओके डन क्लियर है यहाँ तक बिल्कुल. चलो बिल्कुल अंसीफ अंजुम खान बिल्कुल ग्रेट. तो कैसी लगी आपको आज की क्लास जल्दी से कमेंट कीजिएगा और इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस फिर से करेंगे आप और यहाँ की जो शीट्स होंगी मैं वो आपको दे दूंगा उसके बाद वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा. वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. इस टाइप के क्वेश्चन में जितनी आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी उतनी जल्दी आप आंसर दे पाएंगे. ओके और मैंने पहले भी कहा था आपको कि आपको घन वर्ग और टेबल यानी कि पहाड़े क्यूब स्क्वायर अच्छे से याद होने चाहिए कम से कम 30 तक तो होने चाहिए तो आपकी कैलकुलेशन ऑलरेडी फास्ट हो जाएगी. ठीक है ओके लोकेश गुड. चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में. तो मैं सोच रहा हूं कि आपके लिए कथन निष्कर्ष लेकर आ जाऊं क्योंकि उसमें काफी ज्यादा डाउट होता है आपको तो उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं. कि मजा आगो सर. चलो थैंक यू दीपक डफर कह रहे हैं एकदम झकास. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ओके गुड चलिए नाइस क्लास. थैंक यू क्लास. ओके तो इसके बाद में कहीं जाइएगा मत बने रहिएगा हमारे साथ हमारे इस चैनल पर. नेक्स्ट क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है कंप्यूटर स्पेशल की और वहाँ पर जो आज हमारा चैप्टर लिया गया है वो मेमोरी से लिया गया है. काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे वो आपका क्या बोलते हैं राजस्थान पुलिस देख लो या दिल्ली पुलिस देख लो या पटवा. ठीक है ओके ओम प्रकाश विजार्ड ऑफ रीजनिंग एंड कंप्यूटर. थैंक यू थैंक यू. चलो बाय बाय टेक केयर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर.